लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी साथ मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को यह ऐलान किया। अपने चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे अखिलेश यादव ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस गठबंधन पर मुहर लगाई। नई दिल्ली, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी, कैबिनेट से प्रस्ताव पास। नई दिल्ली, थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी संभाली। पहले ये जिम्मेदारी CDS जनरल विपिन रावत के पास थी। सेना के तीनों अंगों के चीफ में जो वरिष्ठ होता है ये जिम्मेदारी उसे मिलती है। मुजफ्फरनगर के सिसौली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। आंदोलन के 383 दिन बाद आज घर पहुंचे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत के आगमन पर हजारों दीपों से दिवाली की तरह सजाया गया टिकैत का घर। सिसौली किसान भवन को भी लाइटों से सजाया गया। राकेश टिकैत की तिलक आरती होने के बाद घर में हुई एंट्री। सिसौली में टिकैत आवास पर किसानों का लगा जमावड़ा। नई दिल्ली, कोलकाता की दुर्गा पूजा को विश्व हेरिटेज का दिया गया दर्जा। दुर्गा पूजा परंपरा लोकाचार को उजागर करती है। यूनेस्को ने दिया दुर्गा पूजा को हेरिटेज का दर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। सरकार का विधान परिषद में लिखित जवाब, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। सरकार के बयान पर सदन में हंगामा। सदन में सपा व कांग्रेस का हंगामा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,974 नए मामले आए। 7,948 रिकवरी हुई और 343 लोगों की कोरोना से मौत हुई। नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर एक बड़ा फैसला किया। इसके तहत अब भारतीय पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारे दरबार साहिब की तीर्थ यात्रा के दौरान 11,000 रुपए की राशि ले जा सकते हैं। अमेरिकी डॉलर के रूप में भी आप इतनी ही राशि ले जा सकते हैं। मुंबई, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है। पुलिस के मुताबिक इस दौरान शहर में बड़ी सभाओं और रैलियों के आयोजन पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल, आसनसोल रेल डिवीजन लोकल ट्रेन में भी मेट्रो जैसी सेवाएं शुरू करेगा। आसनसोल रेल डिवीजन में DRM परमानंद शर्मा ने बताया, ये नई ट्रेनें कम बिजली के खर्चे में ज्यादा गति से चलेंगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए काफी बदलाव किए गए हैं। नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का दावा, डेल्टा से 70 गुना तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन, लेकिन खतरनाक नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और सबसे पुराने COVID-19 स्ट्रेन के मुकाबले 70 गुना तेजी से फैलता है। इसके बावजूद ये ज्यादा गंभीर नहीं है, ये दावा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने किया है।